guys, welcome to my channel Gaurika Lifestyles. 24 hours later. So this is day 4 in Goa. So day 4 की जर्नी मैं आपको बताती हूँ. इसमें क्या हुआ कि हमने एक कॉल्स करी थी. एक्चुअली मैंने अर्पित को रात को बोला है गोडा फोर्ट आने के बाद कि अर्पित जो बैकग्राउंड में ऐसे मतलब लोग कैसे जा रहे हैं बोट पे, क्योंकि हम देख रहे थे वहाँ से कि ऐसे लग रहा है कि क्या रास्ता है वहाँ से जाने का. सो हमने एक्चुअली हम कुछ देख रहे थे कि और क्या एडवेंचर हो सकता है. एंड मेन थिंग इज़ सी डाइविंग करनी थी. नॉट अ सी डाइविंग, स्नोर्कलिंग. मैं आपको बता दूँ स्नोर्कलिंग और सी डाइविंग में क्या फ़र्क होता है. स्नोर्कलिंग जो होती है वो सिर्फ शैलो वाटर में ही आप कर सकते हो. आपको लगता है आप डीप चले गए हो, बहुत डीप मीन्स इट्स इम्पॉसिबल फॉर पीपल लाइक अस, वी आर नॉट ट्रेन्ड. लेकिन जो शैलो, बट आप शैलो में ही आपको ऐसा लगता है कि आपने डीप कर ली, बिकॉज आपके लिए तो फर्स्ट टाइम होता है. सो वो स्नोर्कलिंग होती है. सी डाइविंग बहुत डीप होती है, हमारे बस की बात तो नहीं है भैया. तो वो थी स्नोर्कलिंग. तो वो करने के लिए मैंने अर्पित से हमने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऑनलाइन सर्च किए. तो हमें करते करते कुछ आ रहा था कि आप कोई ऐप से आप क्या है इसको बुकिंग कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए. तो करते करते मैंने बहुत सारी कॉल्स लगाई ऑनलाइन के थ्रू ही. तो मुझे एक ऐप मिली, मुझे उसका नाम भूल गया है. तो अगर मेरे को होता है तो मैं नीचे आपको बता दूँगी. सो आप उनसे बुकिंग तो बिल्कुल मत करवाइएगा नेक्स्ट टाइम. अगर आप मैं हम तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैं आपको वो लास्ट में बताती हूँ. तो व्लॉग में बने रहने के लिए क्या है, आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा. तो मैं एंड में बताऊँगी कि क्यों नहीं आपको वो उसकी बुकिंग करवानी, राइट. सो लेट्स, तो चलो शुरुआत थोड़ी अच्छे से करती हूँ, एंड में ही बताऊँगी. तो हमने क्या है सी डाइविंग करी. सी डाइविंग के लिए हमने जो हमें नहीं कुछ भी नहीं मुझे मालूम था. मींस मैंने बोला था ना कि एग्वाडा फोर्ट और उसमें कुछ कनेक्शन है, लेकिन रियली मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि हम वही डेस्टिनेशन में जा रहे हैं जो कल मैंने अर्पित को बोला था कि मुझे यहीं पे जाने का मन कर रहा है. सो जो हमने सी डाइविंग के लिए जाना था, हमारी जो शिप जानी थी वो एग्वाडा फोर्ट की बैक साइड की जो सी था, दिख रहा था वही डेस्टिनेशन थी. मींस वो कोई रास्ता था, वहीं से निकल के जाता है. तो हम वहीं से ही शिप में अंदर गए. जब अंदर बैठे, जब अग्वाड़ा फोर्ट आया, तब पता चला अर्पित कि ये तो वही है जो कल हम देख रहे थे कि यहीं से ही जाना है. सो कई बार आप सोचते हो और वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है. सो इट्स अ गॉड ग्रेस. बात क्या है, हमें कुछ डॉल्फिन पॉइंट्स होते हैं. उस टाइम पे डॉल्फिन तो थी नहीं, वो भी नहीं हमने देखी. एक छोटा सा आइलैंड आता है रास्ते में, वो देखा था. और सो इतना ही था. उसके बाद एक स्पॉट होता है जो थोड़ा डीप होता है, जहाँ पे आप सी डाइविंग या स्नोर्कलिंग कर सकते हो. तो ऐसे वो पहले आपको एक 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 नंबर्स दे दिए थे. हमें नंबर्स देने के बाद ऐसे आपका उसी अकॉर्डिंग नंबर आता. तो हमारा सबसे एंड में नंबर था. तो करते करते तो वो थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं. ट्रेनिंग देने के बाद क्या है, पहले अर्पित ने डाइविंग की, वो तो बहुत ही जल्दी आ गए थे बिकॉज ही वॉज हैविंग लिटिल बिट कोल्ड ऑल्सो. मैं जब गई तो मतलब वहाँ पे ना ऐसे आप बताते हैं कि अगर आपको और नीचे जाना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे जाना तो आपको ऊपर जाना तो आपको ऐसे करना पड़ेगा. सो मैं करती गई वो थोड़ा सा नीचे ले गए. बट मैं बता दूं आपको, मैं जब नीचे गई तो मेरे दिमाग में
मेरे दिमाग में एकदम से मैं इतना फोबिया हो गया कि मैं वापस ही नहीं आ पाऊँगी. मीन्स एक एक क्या एक मिली सेकेंड का मेरे ख्याल आया कि मैं ऊपर वापस कैसे जाऊँगी इतने टाइम के. मीन्स क्योंकि जब आपका एक सेकेंड के लिए भी सांस रुकती है ना, सो यू कैन फील इमेजिन कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो. आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे. सो उस टाइम पे मुझे मज़ा आया कि मुझे ये भी था कि मैंने अपने फियर को ओवरकम करना, मैंने नीचे जाना, मैं नीचे जा पा रही हूँ. लेकिन जब मैंने ऊपर मीन्स एकदम से जब मैं आई डोंट नो कि एक सेकेंड के लिए क्या हुआ, क्योंकि क्या होता है कि आपका जब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तब आप पैनिक करते हो. ये नहीं होता कि जब आप सांस नहीं ले पा रहे हो, पानी में आप ध्यान रखना, जब आप सांस नहीं ले पा रहे हो और आप पैनिक कर गए तो आपका सांस पैनिक से बंद हो जाएगा. राइट मीन्स आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है तो आपको भूल जाता है कि आपको ब्रीद करना है. बिकॉज नीचे पानी में जाके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ब्रीदिंग ही होता है. सो आपको वो फोबिया से आप ब्रीद नहीं कर पाते कि चोक हो जाएगा. राइट लेकिन उसके लिए एक मीन्स टेक्निक होती है, वो आपको पहले ट्रेनिंग में देते हैं. ठीक है, वो आप भूल जाते हो. मीन्स कितनी भी इजी क्यों ना हो, आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो, कितनी भी इजी क्यों ना हो टेक्निक, आप भूल जाओगे वो कि सांस कैसे लेना है. राइट दैट्स व्हाई यू पैनिक, कि आपको लगेगा कि आप मीन्स बचोगे नहीं. राइट सो इन ऑर्डर टू सेव योर लाइफ, सो बस वो होता है. अदरवाइज लुक कहाँ से आते हैं ये? जस्ट अ कप ऑफ टी कि आप स्नोर्कलिंग कर सकते हो. कोई भी स्नोर्कलिंग कर सकता है अंटिल एंड अनलेस मींस अगर आपने वो फियर को ओवरकम करना है तो यू गो फॉर अ स्नोर्कलिंग. मच 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 लेटर. पानी के फियर को ओवरकम करने के लिए आपको स्नोर्कलिंग जरूर करनी चाहिए. एंड गोवा में आए हो, स्नोर्कलिंग नहीं करोगे तो आप मुझे ऐसा लगता है कि वो पहली बार अगर कोई आ रहा है, अगर पहले कभी नहीं किया सो यू मस्ट डू दिस स्नोर्कलिंग. सो इट वाज द बेस्ट डे फॉर मी व्हेन आई डिड स्नोर्कलिंग. नॉट बिकॉज आई डिड स्नोर्कलिंग बट आई हैव ओवरकम माई फियर ऑफ वाटर ऑल्सो. और दैट टू मैं थोड़ा डीप भी, मेरे लिए तो वो डीप ही था. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सो यस दिस इज इट फॉर द स्नोर्कलिंग.
थोड़ी हमें एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी दी थी, सेम वही जो, तो उसकी मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई दोबारा से, सेम वही एक्टिविटीज़ जो हमने उस दिन की थी, लेकिन उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। स्नॉर्कलिंग के जो चार्जेस थे आई थिंक पर पर्सन के 1700 था, उस दिन का जो चार्जेस था वो 2000 था पर पर्सन का। सो उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने क्या है, स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और जो सी डाइवर्स थे बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो हमें वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दी थी वो बहुत एक दो तीन तीन मिनट की एक्टिविटीज़ थी, और इतनी जल्दी पैरासेलिंग में ऐसा लगा ऊपर गए और नीचे आ गए, बस ऐसा था। और उसके बाद हमें बोला गया था कि आप जो स्पॉट पे आप यहीं इसी स्पॉट पे आप मिलना, तो आपको जो है बस लेके जाएगी। तो जब हम एग्जैक्टली 5 बजे से पहले पहले वो स्पॉट पे चले गए, हमें पता चला कि बस पहले ही चली गई। उसके बाद हमने वो पर्सन को कॉन्टैक्ट किया, 4-5 लोग ऐसे छूट गए थे। उसके बाद हमने वो पर्सन को कॉन्टैक्ट किया, वो पर्सन ने बोला कि मैं कैब भेज रहा हूँ, आप वेट करिए 15 मिनट। 15 मिनट हो गए हमने कॉल किया, कह रहा मैं भेज रहा हूँ, वो रास्ते में है। फिर 15 मिनट के बाद फिर कॉल किया, तभी भी वो रास्ते में। सो 4 टाइम ऐसा हुआ, हमने 1.5 आवर वेट किया, 5 से लेके 6:30 बजे हम कैब आई हमारी, ऐसे करते करते। सो इट वॉज़ रियली वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अस, वर्स्ट एंड वर्स्ट ये वाला। अदरवाइज स्नॉर्कलिंग तक बहुत ही अच्छा था, क्योंकि राइड्स भी नहीं अच्छी थी। सो इसीलिए आप जब कभी भी बुकिंग कराओगे तो मेक श्योर करो, एक तो प्रॉपर ऐप से बुकिंग कराओ, और थोड़ी सी उसकी आप रिव्यूज़ पढ़ लीजिए, है ना। तो बात क्या है आपको करना चाहिए, इवनिंग के बाद क्या है, हमने डिनर डेट कैलनगुट में एक फिशरमैन करके रेस्टोरेंट है, 8:01 PM बहुत ही फेमस है खाने के लिए, उसका जो एम्बियंस है, बिकॉज लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट चलता है वहाँ पे, उसकी वजह से वो बहुत फेमस है। इवन फूड इज़ आल्सो वेरी टेस्टी, मीन्स हमारे आसपास 6-7 रेस्टोरेंट थे, वही सिर्फ भरा हुआ था बिल्कुल नेक टू नेक। सो खाना बहुत टेस्टी था वहाँ पे। सो आप कभी भी अगर आप कैंडोलिम जाएँ, मीन्स आप कैंडोलिम में, अगर वहीं कैंडोलिम वाली साइड पर आप कहीं भी आप रुके हुए हैं नॉर्थ गोवा में, तो आप फिशरमैन रेस्टोरेंट जरूर जाना। Go dancing around the neck, this lovely daughter is she. Go dancing around the neck, this lovely daughter is she. So yes, this is it for the day 4. So till then, take care, bye, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Gaurika Lifestyle. Next morning.